हेलो एवरीवन, गैलेक्सी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गाइस, कई बार हम जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं नर्सरी लाइफ या किसी भी और ऑनलाइन प्लांट वेबसाइट का, तो बहुत इच्छा होती है कि आप मंगा कर एक बार ट्राई करें, लेकिन एक थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं वो प्लांट कैसा होगा। तो गाइस, आज मैं आपके लिए नर्सरी लाइफ का कॉम्बो पैक लेकर आई हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है जो मैंने प्लांट्स ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो ये जो प्लांट है, प्लांट पैक फॉर हेल्दी होम एंड ऑफिस के लिए है। मुझे 1173 रुपीज़ में है और साथ ही मुझे यहाँ पे शिपिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लगे हैं, जो कि शिपिंग चार्जेस 79 रुपीज़ लगना चाहिए, पर अभी एक ऑफर चल रहा है फ्री शिपिंग अबव 399, जिसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये प्लांट जो है, 5 प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये और फ्री शिपिंग का कोड है, इसे आप यूज करेंगे तो आपका भी फ्री शिपिंग चल रहा है नर्सरी लाइफ में। यहाँ पे अबाउट में बहुत सारी चीजें दी हैं कि इसमें क्या क्या प्लांट है। मनी प्लांट है, पीस लिली, सिंगोनियम, एरिका पाम और जेड प्लांट, राइट। और साथ में ही इसमें ये और भी चीज़ें बताया है, जैसे कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है, एसी रूम और ऑफिस डेस्क के लिए बेस्ट है, इंडोर प्लांट्स हैं, बेस्ट इंडोर प्लांट्स में से हैं, जो लो लाइट में भी अच्छे से ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। यहाँ कॉम्बो जो हम लोग का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें और भी प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि हमें पॉट मिल जाता है 4 इंच का, इनर पॉट मिल जाता है और एक आउटर पॉट मिल जाता है प्लास्टिक प्लांटर 4.5 इंच का, जो कि कलरफुल होता है। तो ऐसे ही सारे 5 प्लांट के साथ में हमें इनर पॉट और आउटर पॉट दोनों ही मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये कॉम्बो पैक लगा, जब से मैंने इसे परचेज किया है। तो चलिए मैं अब इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस है जनरली जो होते हैं, यहाँ पे दिस अपसाइड, यहाँ पे ब्रांडिंग है, इस तरीके से पैकेजिंग है इसकी, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये सिंगोनियम प्लांट है, वेरीगेटेड, सिंगोनियम वेरीगेटेड है। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हुई है, प्लांट बहुत ही सेफ तरीके से पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मतलब हिल भी नहीं रहा था, और अभी इसमें पूरे रबर बैंड वगैरह से काफ़ी अच्छे से इसकी पैकेजिंग की गई है। तो ये है हमारा प्लांट, ये अंदर की तरफ इनर पॉट है ब्लैक कलर का, और ये आउटर प्लांटर है। तो लीव्स तो फ्रेश नहीं लग रही है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो डेफिनेटली एक बार वाटर दिया गया होगा, और ये मुझे 8 से 10 दिन में रिसीव हुआ है। तो लेकिन फिर भी प्लांट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बाकी को ओपन करके देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जेड प्लांट का लीव्स हैं, ये अभी से ही झड़ रहे हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये हमारा जेड प्लांट है, हालांकि उतनी बुरी कंडीशन नहीं है, 1-2 पत्तियाँ, 3-4 पत्तियाँ ही इसमें झड़ी हुई हैं। बाकी जेड प्लांट का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसमें थोड़ा दिन अगर पानी वगैरह अच्छे से देंगे तो ये अच्छे से फिर से मेंटेन हो जाएगा, बहुत जल्दी इसमें पत्तियाँ निकल आएंगी फिर से। ये पीस लिली प्लांट है हमारा, और ये अरेका पाम, ये स्मॉल साइज है अरेका पाम का।
और ये लास्ट है मनी प्लांट। ये ग्रीन मनी प्लांट है, इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। पॉट आप देख सकते हैं, इसके सेंटर में होल नहीं है, ये एज अ ट्रे यूज़ होगा, क्योंकि ये जो है वो डेस्क या टेबल टॉप प्लांट्स हैं, तो इसमें नीचे की तरफ जो प्लांटर होता है उसमें होल नहीं होता है और अंदर एक इनर पॉट होता है, तो जो हमारा जो प्लांटर होता है वो एज अ ट्रे जैसा हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स जो थे वो पॉलीथीन में कवर्ड थे, तो मैंने सारे पॉलीथीन जो है वो रिमूव कर लिए हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं ये अरेका पाम है, इसकी पत्तियाँ कॉर्नर से थोड़ी सी खराब हो गई हैं, और ये है हमारा पीस लिली। सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। जो प्लांट्स हैं जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से इसमें सॉइल मुझे दिख रही है, कि जैसे जेट प्लांट में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, मनी प्लांट में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और हमारा जो सिंगोनियम है उसमें भी वाटर ज़्यादा चाहिए होता है या नॉर्मल होना चाहिए, और जो हमारा पीस लिली होता है उसमें कम वाटर होता है, कम वाटर की नीड होती है, और जो अरेका पाम है उसमें और कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो पीस लिली और अरेका पाम है उसकी जो सॉइल है वो कम गीली है बाकी के कंपेयर में, तो ये काफ़ी अच्छा ध्यान देकर पैकेजिंग की गई है इसमें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के समय में इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं कि पत्तियाँ एकदम फ्रेश अभी नहीं हैं, लेकिन एक दो दिन में ये डेफिनेटली एक पानी देने के बाद ही ये बिल्कुल अच्छी तरीके से खिल जाएंगे। अरेका पाम की भी जो पत्तियाँ वो थोड़ी सी कॉर्नर से ख़राब हो गई हैं, पर डेफिनेटली ये 2 से 4 दिन या हफ्ते भर में ये रिकवर हो जाएंगे। प्लांट्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, इतनी दूर से प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब आप समझ सकते हैं हम पौधों को कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही अच्छी प्लांट आई है, बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे रिसीव हो गए हैं मुझे। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास आसपास कहीं भी अगर कुछ प्लांट्स हैं जो कटिंग से ग्रो होते हैं, तो डेफिनेटली डोंट बाय दैट प्लांट्स, आप उसको कटिंग से ही लगाएं। जैसे जेट प्लांट है हमारा, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग से बहुत ईजीली लग जाता है। मनी प्लांट है हमारा, तो इस तरीके से अगर आपके पास कटिंग अवेलेबल है तो आप उससे ही प्लांट अपना लगाएं, परचेज ना करें उसे। बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ऐसे प्लांट्स ऑर्डर किए, और मेरे पास इसमें से कोई भी प्लांट नहीं थे। हाँ, जेट प्लांट बस था, बाकी कोई भी प्लांट नहीं थे, मुझे चाहिए थे सब चीज़ें, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। काफ़ी अच्छी तरीके से रिसीव हो गए हैं, और प्राइस भी मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा है, क्योंकि अगर नर्सरी से लेती तो मुझे पॉट और फिर प्लांट लेने में चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो जाते, हालांकि प्लास्टिक पॉट्स हैं ये नर्सरी में आपको मिलेंगे भी नहीं। ज़्यादातर से नर्सरी में हमें वो ब्राउन कलर के जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं वो मिलते हैं, या तो सिरामिक के पॉट मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको इनर पॉट और आउटर कलरफुल प्लांटर और प्लांट्स सारे एक साथ ही आपको मिल जाते हैं, आपको अलग से कुछ बार बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इन प्लांट्स में से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।